दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो खासकर मैंने फार्मर्स के लिए बनाया है, जो कि लेयर पोल्ट्री फार्मिंग का जो बिजनेस में जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए आज का वीडियो थोड़ी सी एक छोटी जानकारी हो सकती है। तो मैं आप लोगों को इस मशीन जो मुर्गियों को दाना डालने के लिए बनाई गई है और इसमें जो केज लगाई गई है, जो जाली लगाई गई है, और इस फीडर के बारे में और इस सिस्टम के बारे में जो भी थोड़ी कुछ जानकारी है मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। ये वीडियो लेयर पोल्ट्री फार्मर्स के लिए थोड़ी सी जानकारी भी हो सकती है, क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि ये बहुत पुराना फार्म है, जैसे कि छः सात साल से ये फार्म ओपनिंग की गई है, और आज इसके जो जाली दिख रहे होंगे वो भी पुराने हो चुकी है। ये फीटर्स जो है आप लोग को दिखाई दे रहा होगा तीन लाइन पे, ये जितने भी इधर फीटर्स है ये फीटर्स को चेंज किया गया है। इससे पहले यहाँ पे एल्युमिनियम फीटर लगाया गया था, जो कि एल्युमिनियम फीटर अभी का टाइम पे फ़िलहाल ये पीवीसी फीटर लगाई जाती है प्लास्टिक, क्योंकि एल्युमिनियम फीटर पर इसको बेंड इसे दबाए तो बेंड होने के चांसेस रहती है, लेकिन अभी पीवीसी फीटर पे क्या होता है, ये जितने भी दबाएंगे ऑटोमेटिक उसी पोजीशन पर आ जाती है जैसे कि ये पोजीशन है। तो ये एक लेयर पोल्ट्री फार्मर्स के लिए ये एक अच्छी जानकारी होगी, जो कि आप लोग पीवीसी फीटर का यूज़ करें, क्योंकि इसके लॉन्ग लाइफ होने का चांसेस भी ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर ये बेंड जितना भी दबाए तो भी ये बेंड होने का चांसेस नहीं रहती है, वो ऑटोमेटिक अपनी पोजीशन पर आ जाती है, और इसके जॉइंट भी अच्छी तरह से मेंटेन किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी अच्छी तरीके से जॉइंट फिक्स हो जाती है ये। सो दोस्तों यहाँ पे जो ये मशीन की रिपेयरिंग करने आया हूँ, उसमें कौन सी चीज़ रिपेयर करता हूँ मैं करने वाला हूँ वो मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पुराने वाली पहले जो ओल्ड मॉडल की गराटा था इसमें, जो कि इसकी इस पाइप के थ्रू मुर्गियों को दाना ऑलरेडी पहुँच जाती है। सो मैं आज आया हूँ इस नई तरीके की गराटा लेके, जो कि आप देख सकते हैं ये स्क्वायर गैलेजिंग का स्क्वायर बॉक्स टाइप रहेंगी और नीचे प्लास्टिक राउंड शेप में रहेंगी, जो कि ये पुराने वाले से ये नए वाले में कितने डिफरेंस रहेंगे आप देख सकते हैं, और इसमें हर एक तरह की फैसिलिटी रहेंगी, जैसे कि यहाँ पे नट बोल्ट लगाई गई है और एडजस्टमेंट के लिए ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, फीड ज़्यादा चाहिए तो ऊपर कर सकते हैं, कम चाहिए तो नीचे कर सकते हैं। जैसे कि इसमें पुराने वाले में कुछ अलग रहेंगे, जैसे कि दो नट रहेंगे इसमें, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट के लिए थोड़ी परेशानी होंगी, क्योंकि ये एमएस का है और इसमें जंग लगने का चांसेस ज़्यादा रहती है। सो जैसे कि मैंने गराटा के बारे में आप लोगों को बताया, अब दिखाना चाहूँगा कि ये फिटिंग कैसे होती है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके के फिट किया जाता है, इस तरीके के फिट किया जाता है यहाँ पर, और ये पूरे सेंटर पर रहती है, जो कि ये मूवमेंट भी रहती है इस तरीके से, ऊपर भी मूवमेंट रहती है, ये देख सकते हैं यहाँ पे पूरे सेंटर पे रहेंगी, और इसको ऊपर नीचे भी कर किया जा सकता है, और फीटर डैमेज होने का कोई भी चांसेस नहीं रहती है, और लॉन्ग लाइफ का चांसेस रहता है इसको, इस तरफ भी लगाई गई है। सो ये तो दोस्तों पुरानी मशीन है जो मैंने बना आज रिपेयर करने के लिए आया हूँ कुछ नई चीज़ें लगाकर। तो दोस्तों अगर मेरे वीडियोज आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके मेरे वीडियोस देखें, क्योंकि बहुत ही नई नई वाली मशीन बनाया हूँ, और इस तरह के मशीन में इंडिया में हर जगह पे बनाते रहता हूँ, और नई नई जानकारी आप लोगों को अगर देखना हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की नई नई वाली जानकारी वाली मशीन लेके आता रहूँगा।